अपना दोस्तों छुट्टी आ गए हैं आपके चैनल ब्लॉग से मुझे पटना में, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सूरत ये बताने जा रहा हूँ, और सूरत में आज पटना आ रहा हूँ। मैं सूरत में मुजफ्फरपुर पहले जाऊँगा, और मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ूँगा, फिर पटना हाजीपुर जाऊँगा, हाजीपुर से फिर ऑटो पकड़ के मैं पटना आऊँगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सूरत का कुछ भी। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है सभी शिवर का व्यू है कुछ, और शिवर में कुछ खास नहीं है। और शिवर के बारे में बता दूँ तो बिहार में सबसे छोटे जिले के नाम दिया जाता है, और शिवर कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डैम है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और ये शिवर में कुछ देखिए, मैं यही सुबह तक व्यू हूँ। देखें पहले रोड ऐसा नहीं था, बट अभी हाल फिलहाल में रोड बना है, मतलब बहुत मतलब वन लाइन का था ना, वन लाइन रोड अभी फिलहाल इसको बना दिया गया है। मैं अभी जा रहा हूँ शिवर का जो बस उससे मुकाम से खुला वाला हूँ, वो भी मैं जा रहा हूँ बस पे करने। तो देखिए मैं अभी बस लूँगा मुजफ्फरपुर का, देखते हैं प्राइवेट बस मिलता है या सरकारी बस मिलता है, जो बस मिलेगा। देखिए वो होटल है, वो होटल वगैरह में खा सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी का सकती है। देखिए यहाँ तो बैठे लगा हुआ है, मैं अभी आ गया यहाँ पे, पहले बस स्टैंड इधर था लेकिन अभी इधर हो गया बस स्टैंड, अंदर में चला गया। और यहाँ पे इसको गांधी चौक बोला जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ सीतामढ़ी का बस लगा हुआ है, सीतामढ़ी जाने के लिए यहाँ पे आपको बस मिल जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ और मधुबन बिटिया, देखिए यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ के लिए, और देखिए यहाँ पे वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जिस बस है ले सकते हैं, और मैं चला तो बस को देखूँगा, बस मिलेगा फिर से आऊँगा। ठीक है, देखिए ये सब गांधी, इसी को गांधी चौक बोला जाता है, गंगा के, और ये जाता है मुजफ्फरपुर कुछ मुजफ्फरपुर एंड डैम ये जो है सीतामढ़ी का, और जो बस लगा हुआ है सीतामढ़ी का। देखिए और ये मधुबन ये सब जो है ना, मधुबन जितना मोतिहारी के लिए बस लगा हुआ है, और इधर से आएगा मुजफ्फरपुर से। देखिए मधुपुर से भी बस जा रही है, प्राइवेट बस इधर ही आपको मिलेगा पटना का, मुजफ्फरपुर के लिए बस। यहाँ जो सरकारी बस प्राइवेट बस इस तरफ से आएगी बस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस बस में बैठ रहा हूँ, किस बस में जा रहा हूँ। फिलहाल मैं बस पे बैठ गया हूँ, प्राइवेट बस मिला है, तो प्राइवेट बस में मैं बैठ गया हूँ।
खा लेंगे तो देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में इसको सूखे जिला का नाम दिया गया और है सभी जिले सूखे जिले आते हैं। जनसंख्या में भी कम है इस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे और उसके बाद इससे
पटना वटना का बस यहाँ पर चला रहता है। इसी इसी बस से आप ठीक है। तो चलिए फिर से मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। अगर मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से वीडियो देने वाला हूँ आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड